हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पैन ट्यूब प्लेट में। आज मैं एक और अलग रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। दूध एक ऐसी सामग्री है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो फट जाता है, और सभी इस चीजों से गुजरते हैं, और गर्मी हो तो बहुत ही ज्यादा फटने लगता है अगर ध्यान नहीं दिया जाए। हमारे पास कुछ ज्यादा विकल्प नहीं होता है, तो आज मैं बहुत ही आसान और बिना कुछ खर्च किए एक सिंपल तरीका यानी कि आसान तरीका बताऊंगी फिर से हम फटे दूध का कैसे इस्तेमाल करें। तो आज हम बनाएंगे फटे दूध का रसगुल्ला। ये छेना के रसगुल्ले जैसे ही स्वाद देगा, आपको कोई फर्क स्वाद में नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसकी सामग्री। 2 कप शक्कर, 1 टेबलस्पून दूध चाशनी को साफ करने के लिए, 8 कप पानी, 1 लीटर दूध जो फट चुका है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फटे दूध के रसगुल्ले। सबसे पहले हम दूध को मध्यम आंच पर रखेंगे। जब दूध फट जाता है और जब ये गर्म हो रहा होता है तो इसमें से इस तरह की आवाज निकलती है। जैसे ही दूध गर्म होने लगता है, आप देख सकते हो पानी किनारों पर दिख रहा है। अगर आप नींबू से फाड़ते हो दूध को तो सारा दूध तुरंत अलग हो जाता है और कड़ल हो जाता है, वो बंधा हुआ सा नहीं रहता, लेकिन फटा हुआ दूध बंधा सा रहता है। जैसे ही आप पानी देखोगे बर्तन के किनारों पर, तो आंच को हम बंद कर देंगे और इस फटे हुए दूध को हम गुनगुना होने तक इंतजार करेंगे। फटा हुआ दूध गुनगुना सा हो गया है, आप देख सकते हो फटा हुआ दूध कैसा दिख रहा है। ये बंधा सा है, ये कुछ दही की तरह लग रहा है। अब हम इस फटे हुए दूध को छान लेंगे। अब हम एक गहरा कटोरा ले लें, उसके ऊपर छन्नी रख दें, और छन्नी के ऊपर हम एक साफ सुथरा कपड़ा रख देंगे और फटे हुए दूध को कपड़े पर निकाल लेंगे। अब इस तरह से कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ लेंगे और ऊपर नीचे करेंगे ताकि पानी जल्दी से निकल आए। अब हम हल्के हाथों से इसे दबाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है हमें और पानी निकालना है। हमें पनीर को बहुत ज़्यादा सूखा नहीं रखना है, इसमें थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। तो चलिए ज़रा पनीर को देखते हैं खोल के। ये अंदर से गीला नहीं है, इसे हमें आधे घंटे तक दबा के या कहीं टांग के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका है। हम इसे अब प्लेट पर निकाल लेंगे। हम इसे बहुत ही हल्के हल्के हाथों से अब दबाएंगे इस तरह से। हमें इस तरह से दबाना है कि इसके जो दाने हैं पनीर की वो मसल ना जाए। हमें इसके दाने रखने हैं और पनीर को हल्के हल्के हाथों से हम दबा लेंगे। इससे ये होगा कि दाने बने से रहेंगे और इस तरह से पनीर भी बनता जाएगा। हमें करीबन 5 मिनट का वक्त लगेगा पनीर को बांधने के लिए। हमें इसे कुचलना नहीं है। देखिए पनीर हमारा बंध सा चुका है। अब दोनों हाथों से हल्के हल्के इस पनीर को गूंद लेंगे कुछ आधा मिनट के लिए। देखिए पनीर किस तरह से दिख रहा है, इसमें हल्के हल्के दाने से दिख रहे हैं और हल्के से कुछ दरारे हैं, लेकिन जब इसकी लोई बनेगी तो ये ठीक हो जाएगा। हम पनीर के हिस्से कर लेंगे। हमने छोटे छोटे हिस्से किए हैं, आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो। जब रसगुल्ला चाशनी में जाएगा तो इसका आकार और फूल जाएगा। अब हम एक हिस्सा पनीर का ले लेंगे और इस तरह से मुट्ठी में हल्के हाथों से दबाते रहेंगे जब तक ऊपरी हिस्से में बहुत ज्यादा दरारे ना हो। बहुत ही हल्की फुल्की सी होनी चाहिए। अब हम दोनों हाथों के बीच में इस तरह से गोल आकार बना देंगे। देखिए ये कितना सुंदर सा लग रहा है और इसके छोटे छोटे दाने से भी दिख रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। देखिए हमने सारे पनीर के रसगुल्ले बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं और ये बहुत चिकनी सी है।
अब थोड़े वक्त के लिए इसे थोड़ा अलग रख देते हैं और चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। एक बर्तन में 2 कप शक्कर, 8 कप पानी डालकर तेज आंच पर हम रख देंगे। जब चाशनी उबलने लगेगी हम 1 टेबलस्पून दूध डालकर इसे मिला लेंगे। इससे चाशनी में जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो निकल जाएगी। देखिए ये इम्प्योरिटीज निकल रही है, इसे हम निकाल लेंगे चम्मच की सहायता से। तो हमारी चाशनी साफ हो चुकी है। अब हम चाशनी को उबलने देते हैं 5 मिनट के लिए। तो देखिए हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम पनीर के रसगुल्लों को खौलती हुई चाशनी में डाल देते हैं एक एक करके। अब ढक्कन से ढक देते हैं और थोड़ा सा हम इसे खोल कर रखेंगे ताकि भाप निकल सके, यानी कि स्टीम निकल सके। हमें इसे करीबन 15 मिनट तक उबालना है। 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए रसगुल्ले पक चुके हैं और अपने आकार से थोड़े बड़े हो गए हैं और बहुत ही हल्के फुल्के से हैं। ये थोड़े गर्म से हैं, इसे हम दबा के देखते हैं। देखिए कितना स्पंजी है और इसमें से चाशनी भी निकल रही है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और रसगुल्लों को सामान्य तापमान पर आने तक का इंतजार करेंगे। रसगुल्ले अब सामान्य तापमान पर आ चुके हैं। देखिए हम इसे दबाएंगे तो कैसे चाशनी निकलने लगती है। हम फिर से इसे चाशनी में डुबोएंगे और देखते हैं क्या होता है। देखिए हमने फिर से दबाया इसे और चाशनी फिर निकलने लगी, यानी कि ये रसगुल्ले बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं और ये बार बार चाशनी को एब्जॉर्ब यानी कि सोखने लगा है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ा चाशनी डाल लेते हैं इसके ऊपर। तो फटे दूध से स्वादिष्ट और बहुत ही आसान सामग्री से रसगुल्ले बन गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।